नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल फूक चुका है, साथ ही कैबिनेट की बैठक के साथ ही पंचायत चुनाव की तैयारियों में भी रफ्तार आ गई। इसी बीच चुनाव से पहले आचार संहिता लागू होने को लेकर होड़ मचने लगी है। इन सब के बीच अब सवाल ये उठने लगा है कि चुनाव से पहले आचार संहिता लागू होने का क्या महत्व है और इसके लागू होते ही किन किन चीजों पर पंचायत चुनाव के दौरान पाबंदियां लग जाएंगी। आज के इस वीडियो में हम आपको आचार संहिता के दौरान किन किन चीजों से परहेज करें यही बताने वाले हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की छत्रोछाया में निष्पक्षता बेहद ही अहम मानी जाती है, और जैसा कि हमारे पास हमारे प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार है, ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग की यही कोशिश है कि शासकीय अधिकारी और कर्मचारी की भूमिका चुनाव को सफल बनाने और निष्पक्ष करवाने में हो। ऐसे में चुनाव की जिम्मेदारी संभाल रहे शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को निष्पक्ष होने की सलाह भी दी जाती है और उनसे इसी बात की अपेक्षा भी की जाती है। इसके साथ ही चुनावी कार्य में लगे शासकीय विभागों के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को सतर्कता बरतने की आवश्यकता बताई गई है, यानी कि एक बात का ध्यान चुनावी कार्य में जुटे सभी कर्मचारियों को रखना चाहिए कि उनकी किसी भी कदम या काम से ऐसा कुछ भी प्रतीत ना हो कि वो किसी उम्मीदवार की व्यक्तिगत रूप से मदद कर रहे हैं। इसके अलावा सभी उम्मीदवार इस बात का ध्यान रखें कि पंचायत चुनाव में आचार संहिता लागू होते ही चुनाव के दौरान यदि कोई मंत्री निजी मकान पर आयोजित किसी कार्यक्रम का आमंत्रण स्वीकार कर ले तो किसी सरकारी कर्मचारी को उसमें शामिल नहीं होना है। यदि कोई निमंत्रण प्राप्त भी होता है तो उसे विनम्रता पूर्वक अस्वीकार करना अनिवार्य होगा। आचार संहिता लागू होते ही निर्वाचन की घोषणा से लेकर मतदान समाप्त होने तक की अवधि के दौरान पंचायत के किसी पदाधिकारी के क्षेत्रीय भ्रमण को चुनावी दौरा माना जाना चाहिए और ऐसे दौरे में पंचायत के किसी भी कर्मचारी को उनके साथ नहीं रहना है। इसके साथ ही प्रत्याशी धर्म, संप्रदाय और जातिगत जनगणना भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकेंगे। चुनाव जीतने के लिए धार्मिक, जातीय, भाषाई भावनाओं का सहारा नहीं ले सकेंगे। पूजा स्थलों का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकेंगे। साथ ही सामने वाले प्रतिद्वंदी को नीचा दिखाने के लिए किसी भी प्रत्याशी के निजी जीवन की आलोचना नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा किसी भी निजी संपत्ति का उपयोग झंडा टांगने, पोस्टर चिपकाने या नारा लिखने के लिए नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक संपत्ति का प्रयोग वर्जित रहेगा। प्रत्याशी अपने आवास, कार्यालय और प्रचार वाहन पर झंडा, बैनर आदि का उपयोग कर सकता है। किसी राजनीतिक दल के नाम या झंडे की आड़ में चुनाव प्रचार करना दंडनीय होगा। चुनाव के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। नुक्कड़ सभा के लिए निर्वाचित पदाधिकारी की इजाजत जरूरी होगी। निर्वाचन पदाधिकारी की इजाजत से ही जुलूस निकाला जा सकेगा। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि आचार संहिता लागू होने से पहले पंचायती राज विभाग की योजनाएं अगर पहले से ही स्वीकृत है और योजना का काम शुरू हो गया है तो उस पर किसी भी तरीके की रोक नहीं लगाई जाएगी। नए सिरे से स्वीकृत और स्वीकृति प्राप्त योजना का काम शुरू करने पर पूरी तरीके से रोक लगाई जाएगी। पंचायत चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना पर रोक रहेगी। किसी विशेष समुदाय के लिए छात्रावास, विद्यालय और अन्य प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं सामान्य विकास योजनाओं के तहत नहीं आएगी। इसके साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक ग्रामीण क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य, विद्युतीकरण, महिला और बाल कल्याण आदि के क्रियान्वयन, शिलान्यास और उद्घाटन पर पाबंदी रहेगी। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के चयन पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही सांसद, विधायक निधि से नई योजनाओं की स्वीकृति और क्रियान्वयन पर भी रोक रहेगी। सांसदों और विधायकों को सहायता और अनुदान का आश्वासन भी नहीं देना है। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा सरकारी खर्च पर किसी प्रकार का विज्ञापन का प्रकाशन नहीं होगा। ज्ञात हो पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। जल्द ही चुनाव का आयोजन भी अब करवा लिया जाएगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।